नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। नगेंद्र झा महिला महाविद्यालय कॉलेज दरभंगा से एक बड़ी खबर आ रही है। सामने देख सकते हैं दृश्य, कैसे यहां पर हथकड़ी लगाकर परीक्षा देने के लिए बैठा है परीक्षार्थी। अब पूरा मामला आपको बताएंगे, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बता दें कि परीक्षा देने के लिए कोर्ट से आदेश प्राप्त कर एक विचाराधीन कैदी जेल से निकलकर पांच पुलिस सुरक्षा बलों की कस्टडी में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अंतर्गत पीजी का परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र डॉक्टर नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय लहरियासराय के परीक्षा केंद्र पर पहुंचा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के निवासी गायघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले चंद्रशेखर शाह विचाराधीन कैदी है एवं एक आरोप में यह विचाराधीन कैदी शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार मुजफ्फरपुर जेल में, जहां से यह युवक परीक्षा देने के लिए पहुंचा, पीजी फाइनल ईयर का परीक्षा देने के लिए पहुंचा था। दरभंगा परीक्षा केंद्र डॉक्टर नगेंद्र झा महाविद्यालय में 3 अक्टूबर से इनका परीक्षा प्रारंभ है तथा 10 अक्टूबर शनिवार को। भारत में आपको बता दें कि सामाजिक समस्याएं विषय की परीक्षा देने के लिए डॉक्टर नगेंद्र झा महिला कॉलेज लहरियासराय परीक्षा केंद्र पहुंचा था यह कैदी। तो इन्होंने हमसे बात करते हुए जो कहा है वो हम आपको आगे सुनाएंगे। विशेष कवरेज देखिएगा, सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। परीक्षा देने हेतु कोर्ट में इन्होंने आवेदन दिया था कि आवेदन पर सुनवाई करते हुए नैला ने इनको परीक्षा देने का आदेश तुरंत ही दे दिया था। सर्वोदय के प्रभारी प्रधानाध्यापक थे गायघाट ब्लॉक मुजफ्फरपुर, और हमें 2018 कर दिया गया था, जिस व्यक्ति को मैं चेहरा भी नहीं जानता हूँ ना पहचानता हूँ, और हमें कोई पुलिस के द्वारा भी कोई सूचना नहीं दी गई थी कि आपके ऊपर मुकदमा दायर किया गया था। एकाएक हमें 9 अगस्त को पुलिस के द्वारा उठा करके ले आया गया है और हमें कहा गया आपके ऊपर केस है, और उसी जुर्म में मैं 9 अगस्त से ही 9 अगस्त कौन सा वर्ष 9 अगस्त 2020 किस आरोप में आपको भेजा गया? एक महिला के द्वारा केस करवा दिया गया है, जो हमसे 50,000 रुपया नौकरी के लिए मांगा गया है, जबकि उस व्यक्ति को मैं चेहरा भी नहीं देखा हूँ आज तक, मैं पहचानता हूँ। तो अभी एग्जाम का प्रक्रिया, मेरा पीजी के एग्ज़ाम का लास्ट ईयर का था, जो मैं कोर्ट से आदेश लिया हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ से हमें आदेश मिला है एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं एग्ज़ाम आकर के यहाँ अपने किराए की गाड़ी से दे रहा हूँ आकर के। वकील के थोड़ा कोर्ट में आप लोगों ने, वकील के द्वारा हम कोर्ट में आवेदन किए थे, उसके बाद जज साहब आदेश किए हैं, तो इसके बाद हमें एग्ज़ाम वीजा दिलवाने के लिए वहाँ से लाया जाता है। कहाँ के कोर्ट में आवेदन दिए थे? मुजफ्फरपुर न्यायालय। अच्छा, तो अभी सजा याफ्ता कैदी कहाँ है, कौन सा जेल में? अभी विचाराधीन कैदी के रूप में हम लोग हैं। अच्छा, विचाराधीन कैदी कहाँ, कौन सा जेल? शहीद खुशीराम बोस मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में केंद्रीय कारा। तो किस तरह का ये एग्ज़ाम देने आए हैं और कहाँ ये एग्ज़ाम देने आए हैं? हम यहाँ एग्ज़ाम देते हैं, फिर शाम को यहाँ से केंद्रीय कारा शहीद खुशीराम बोस मुजफ्फरपुर में लौट जाते हैं। अच्छा, अभी तक की चौथा दिन मेरा है जी, 4 दिन और एग्जाम है। अच्छा, तो कितने पुलिस सुरक्षा बलों? 5 सुरक्षा कर्मी मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, पूरे एग्जाम? पूरे एग्जाम में यह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी मेरा कॉलेज था, उसके माध्यम से मेरा सेंटर यहाँ पड़ा है, नागेंद्र झा महिला कॉलेज दरभंगा में सेंटर पड़ा है, मैं उसकी इसलिए यहाँ एग्जाम देने आता हूँ। किस तरह का एग्जाम चल रहा था? सोशियोलॉजी का है, मेरा लास्ट ईयर है सोशियोलॉजी। कितने तारीख से एग्जाम आपका शुरू हुआ? एग्जाम 3 तारीख के था सर, 5 के हैं, फिर 7 को दिए हैं, फिर आज 10 तारीख है, फिर उसके बाद 12 है, 14 है, 16 है, उसके बाद भाईवा का डेट अभी नहीं निकला। कितने बजे से कितने बजे तक एग्जाम होता है आपका? 2 बजे से 5 बजे तक एग्जाम होता है। यह लास्ट ईयर है, पीजी का लास्ट ईयर है। पीजी का एग्जाम दे रहे जी? कौन सा ऑनर सर आपका? सोशियोलॉजी ऑनर, श्री भैरव शाह, बाघा खाल थाना गायघाट जिला मुजफ्फरपुर बिहार, और मध्य विद्यालय बाघा खाल सर्वोदय गायघाट में प्रधानाध्यापक।